ये पहली ही दुकान है कोऑपरेटिव मार्केट की और यहाँ पर तो भाई लाइन से लड़कों के कपड़े हैं। अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ बाय सुमैया से मैं हूँ सुमैया खुर्शीद और मैं इस वक्त कराची की सदर की सबसे बड़ी मार्केट कोऑपरेटिव मार्केट में मौजूद हूँ। इस मार्केट में ग्राउंड फ्लोर बहुत सारे फ्लोर हैं और ये तकरीबन लगभग 700 दुकानें हैं इस मार्केट में और कई बार इस मार्केट को तबाह करने की भी कोशिश की गई कराची की, लेकिन फिर दोबारा ये मार्केट खड़ी हो गई और अब ये मार्केट जो है वो बेहतरीन मार्केट्स में आती है और उसे इधर मेयारी चीज़ें मिलती हैं बहुत, और जो कराची की बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, बड़े बड़े मॉल हैं, उनसे आधे प्राइस में यहाँ चीज़ें मिलती हैं। वैसे आपको लगेगा कि यार महंगाई है, लेकिन जब आप उसका कंपेरिजन बड़ी मार्केट से करेंगे तो बहुत सस्ता है। तो इस वक्त क्या वैरायटी चल रही है शादियों के लिए, दूल्हा वगैरह के लिए, तो वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ बेहतरीन वैरायटी। और मैं आपको एक और बताऊँ, इस मार्केट में जेंट्स के ही कपड़े मिलते हैं, लेडीज़ के नहीं मिलते। तो कोऑपरेटिव मार्केट में वैसे ख़वातीन भी आती हैं ज़ाहिर सी बातें कपड़े ख़रीदने। तो ये जनाब है इस वक्त बेहतरीन पीस, ज़बरदस्त शो कर रहे हैं पीस। बहुत पुरानी है, कदीम मार्केट कहलाती है ये। अच्छा। और मुझे इस मार्केट में आए हुए तकरीबन 24 इयर्स हो गए। कितने छोटे थे आप जब? मैं आया था इस एज में तकरीबन 12 से 13 साल की एज में आया था। ये आपकी अपनी दुकान है? नहीं, मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, तो ये बताएं कि आपकी दुकान पर यहाँ पर ये जेंट्स के कपड़े ही मिलते हैं? ओनली जेंट्स। तो ये जो कोऑपरेटिव मार्केट है ये कितनी मंजिला है, कितनी बड़ी है? ये 6 मंजिला है और प्लस उसमें बेसमेंट भी है। अच्छा, इतनी बड़ी है कोऑपरेटिव मार्केट। तो लगभग कितनी दुकानें होंगी कोऑपरेटिव मार्केट? ग्राउंड की जो दुकानें हैं वो तकरीबन 350 दुकानें हैं। सही। और पूरे मॉल में? पूरी मॉल की दुकान है तकरीबन 700-750 दुकानें हैं। ग्राउंड और मॉल की बात कर रहा हूँ, ग्राउंड और मॉल मिला के 750 यहाँ पर दुकानें हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सदर की एक बहुत बड़ी कारोबारी मार्केट है। तो मुतअद्दिद बार हमने सुना भी है कोऑपरेटिव मार्केट पर शॉर्ट सर्किट हो गए और 10 मसाइल हो गए। ये मार्केट थी वो। अच्छा। जो शॉर्ट सर्किट से जलाई, शायद शॉर्ट सर्किट तो नहीं थी, ये एक साजिश के तहत जलाई गई थी इस मार्केट को। अच्छा। और ये मार्केट जिस दुकान में आप खड़ी हुई, यहाँ से स्टार्ट हुई थी और पूरा ग्राउंड जल गया था। ये बताएं कि जब आप लोग इतना नुकसान हुआ तो उसके बाद आप लोगों ने कैसे रिकवर किया अपना नुकसान? नुकसान किस तरह से रिकवर किया? नुकसान इस तरह से रिकवर किया कि सबसे पहले तो हमारे साथ पीटीआई ने हमारा साथ दिया, मार्केट को पूरा रिफंडिश काम करवाया उन्होंने। फिर वो कहते हैं सोने पे सुहागा, वो पीपल्स पार्टी आई हमारे साथ, उन्होंने हमारे साथ माली ताउन किया। अच्छा किया। और एमक्यूएम वगैरह, जमात इस्लामी? नहीं, एमक्यूएम जमात इस्लामी का कोई ताल्लुक नहीं था। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर वो पीटीआई की। सही। किस सन की बात है ये? तकरीबन 2023 की बात है, नहीं सॉरी 2021 की बात है ये। सही। तो पीटीआई ने आप लोगों को रिकवर करके दिए और उसका पीटीआई का ही दौर था और पीपल्स पार्टी फिर उसको देखकर आई और एमकेएम जमात इस्लामी फिर भी ना आई। तो आप लोगों का कितना उस वक्त नुकसान हो गया था? करोड़ों का, अरबों रुपए का नुकसान था। अगर आप देखे जाए, थोड़ा सर्च करेंगे ना, तो अरबों रुपए का नुकसान था। अच्छा, मुझे ये बताएं कोऑपरेटिव मार्केट में किस किस चीज़ की दुकानें हैं? कोऑपरेटिव मार्केट में ओनली जेंट्स का काम है। अच्छा। ग्रूम का काम है, कुर्ते सलवार, अनस्टिच्ड फैब्रिक, रेडीमेड सूट, हर चीज का काम है। अच्छा, क्या कोऑपरेटिव मार्केट सस्ती मार्केट है या महंगी मार्केट है? किस मार्केट से ये फिर भी सस्ती है और किस मार्केट से महंगी है, क्या थोड़ा सा बताया? मैं कहूँगा कि सदर कोऑपरेटिव मार्केट जो है ना, कराची के जितने बड़े मॉल्स हैं ना, उन सबसे सस्ती मार्केट ये कहलाती है। अच्छा। बचकाना के हवाले से, ग्रूम दूल्हा की शेरवानी के हवाले से, कुर्ते शलवार के हवाले से, हर हवाले से, पैंट कोट के हवाले से सबसे सस्ती मार्केट ये कहलाती है। क्या यहाँ पर मोबाइल गैजेट्स या इस तरह के गैजेट्स भी मिलते हैं, लाइट्स, पंखे या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर मार्केट में? बिल्कुल है, यहाँ पर हमारी जो जहाँ खड़ी है उसके बैक साइड पर जो है ना, सबसे बैक साइड पर वो इलेक्ट्रॉनिक की मार्केट है वो। सही, लेकिन मॉल के अंदर नहीं है वो? मॉल के अंदर। अच्छा, कुछ मुझे ये दिखाएं कि इस वक्त आज फैशन पे आजकल चल क्या रहा है? फैशन के हवाले फैशन के हवाले से आजकल शेरवानी दूल्हा जो लाजमी पहनेगा अपनी बारात में, दूल्हे का जो वलीमे का इवेंट है उसमें 2-3 पीस यूज होता है। बारात और वलीमे में 2 पीस यूज हो गया, मेहंदी माइयों में कुर्ते शलवार यूज होते हैं, हर तरह की वैरायटी मिलेगी। तो ये जो ग्रीन वाला है इसके क्या प्राइस है? ये ग्रीन वाला आपको बिल्कुल मुनासिब, वैसे तो अगर बाजार मार्केट के हवाले से देखेंगे तो रेट ज़्यादा होंगे, एक्सपेंसिव होंगे, मगर यहाँ पर 22 का है, 2200 रुपये का कुर्ता और पजामा। सिला सिलाया ये सूट है और इसका फैब्रिक
काफ़ी वॉशिंग वेयर है, काफ़ी जो है वो ठंडा है। और ये जो वेस्ट कोट के साथ, ये वेस्ट कोट के साथ लेंगे कंप्लीट आपको 3800 3800। तो आपने सुनी कोऑपरेटिव मार्केट की कहानी और दुकानदार की जुबानी और कोट्स वगैरह, और वो शेरवानियाँ भी हैं उसकी भी मैं आपको प्राइस बताती हूँ। ये ब्लैक वाले कोट और इसकी क्या प्राइस है? एक होता है सिर्फ टू पीस, ये कंप्लीट सेट है, कोट है, वेस्ट कोट है, पैंट है, शर्ट टाई रुमाल होता है, पूरा सेट है, ये कंप्लीट आपको 8500 में लगेगा। अच्छा, और वो जो पीछे रेड वाली शेरवानी है, वो गुरु शेरवानी है, पूरा पैकेज होता है, वो कुल्ला कुर्ता कुर्ता पजामा शेरवानी, 5 पीस का सेट होता है, 5 पीस का सेट 12,500 का 5 पीस का सेट आपको यहाँ से सिला सिलाया बिल्कुल मिल जाएगा। और हर किसी के नाप का होता है, सेम रेट है हमारे पास, रेडीमेड के भी सेम प्राइस है, और मैक टू ऑर्डर बनाएंगे तो भी। मैक टू ऑर्डर क्या मतलब? ऑर्डर देना चाहे, कलर चेंज करना चाहे, डिजाइन चेंज करना चाहे, तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। सही। और ये ग्रीन वाला बहुत जबरदस्त लग रहा है कोट, ये काही ग्रीन, ये इसकी क्या प्राइस है? 8500 रुपए का कम्प्लीट। में कितने पीसेस होते हैं? अंदर की वेस्ट कोट, पैंट, शर्ट, टाई, 5 पीस, 5 पीस का कम्प्लीट। ये सूट कहलाता है जिसमें ये वलीमे का ड्रेस होता है, ये 8,000 का है, मतलब 20,000 का जो है वो दुल्हा का बारात वलीमे का 20,000 रुपए का खर्चा है। और आप बजाय दूसरी मार्केटों में देखेंगे तो ये 50,000 तक का चला जाएगा, ज्यादा, इससे भी ज्यादा। सही। और ये बच्चों के कपड़ों के क्या प्राइस? हमारे पास तो इतनी कलेक्शन है, वही बारात का भी है, मेहंदी माइयों का भी है, वलीमे का भी है, आपने देखा। ये प्यारा लग रहा है, कितने का है? 4,000। इसकी जो टाई वगैरह खराब हो रही है थोड़ी सी, वो बो है, टाई नहीं है, बो है, वो खराब हो गई है, डिस्प्ले में है ना। अच्छा, फ्रेश देंगे आप? कमीज शलवार में ये बहुत प्यारा लग रहा है, ठंडा कलर, ग्रीन ग्रीन सर, इसके क्या प्राइस है? साइज के हिसाब से है, प्राइस कितने साल के बच्चे का है? 5 साल के आपको 1300 रुपए का। ये 5 साल के बच्चे का सूट है। और फिक्स प्राइस होते हैं कुछ ऊपर नीचे? बार्गेनिंग कर लेते हैं। डायमंड गारमेंट्स है। सही। हम बाहर चलते हैं और खाते हैं आपको मज़ीद। कोऑपरेटिव मार्केट में शॉपिंग जारी है और ये कोऑपरेटिव मार्केट है, इसमें हम आगे चलते हैं और आपको कुछ कपड़े वगैरह दिखाते हैं। ये वैसे तो सदर की अच्छी रीज़नेबल मार्केट्स में से एक है, मगर ये कराची की दूसरी मार्केट से सस्ती कही जाती है। आप देखें ये कितना प्यारा ड्रेस लग रहा है, गोल्डन, ये वाकई प्यारा लग रहा है। ये गोल्डन वन की क्या प्राइस है? 45,000। और इसमें जो है कितने कलर्स हैं आपके पास? वाइट, ब्लू और ये ग्रे, ग्रीन, वाइट, ब्राउन, ब्लैक, वाइट, ये सारे इसके अंदर शेड्स हैं। और बहुत प्यारा सूट है। और ये कपड़ा कमीज शलवार का कौन सा है? इंडियन रॉ सिल्क, रॉ सिल्क, ये इंडियन रॉ सिल्क है। लेकिन ये इंडियन रॉ सिल्क गर्मी में थोड़ी गर्म नहीं होगी? चले बैंक्वेट में तो ऐसे ही चल रहा होगा, लेकिन ये वो कपड़ा नहीं है गर्मी करने वाला, अगर पहनने है तो मैं बना देता। बहरहाल इनके कपड़े अच्छे सिले हुए हैं, प्यारे लग रहे हैं। और आगे चलते हैं। ये लूज कपड़े की शॉप है, अगर आप लेके सिलवाना चाहें तो। आप ये देख सकते हैं कि किस कदर प्यारा ये वाला ड्रेस लग रहा है। और
ये कितनी प्यारी लग रही है गोल्डन वन। देखें यहाँ पे वाकई बहुत ज़बरदस्त कपड़े हैं, म्यारी कपड़े हैं, बहुत प्यारे प्यारे कपड़े हैं। वो देखें मेहरून कितना खूबसूरत लग रहा है। ये मेहरार और ये भी आपको तो पड़ेगा, ये गाउन है, ओपन गाउन है, ये ओपन कोट कहलाएगा। और ये दूल्हा के लिए हैं, दूल्हा दूल्हा के भाई भी पहन सकते हैं, वैसे ये दूल्हा भी पहन सकते हैं। तो इसके साथ कुला वगैरह का सेटअप भी कर देंगे आप, प्रॉपर्ली सेटअप हो जाता है, टर्बन भी लग जाएगा, इसके साथ ट्राउजर भी लग जाएगा, लॉकर्स भी बन जाएंगे। मतलब इट्स डिपेंड कि अगर दूल्हा है तो वो चूड़ीदार पजामा भी पहन सकता है, और अगर दूल्हा के भाई पहन रहे हैं तो वो इसको जीन्स पे भी वेयर कर सकते हैं, पैंट स्टाइल ट्राउजर बनता है इसका प्रॉपर, पैंट स्टाइल ट्राउजर, यस पैंट स्टाइल ट्राउजर। और ये एवर ग्रीन ड्रेस है, ये पुराना नहीं होगा। तो आप क्या सजेशन करते हैं इतनी महंगाई में दूल्हा के कपड़े खरीदते वक्त, तो खासकर दूल्हा के भाइयों को अपने कपड़े खरीदते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? ख्याल तो बस यही है कि हर चीज़ अलग अलग रेट पर है, प्राइजेस रिजनेबल हैं। 5000 में भी प्रिंस कोट है, प्रॉपर सूट यो ना 7000 में भी है। तो हम इन बातों का ख्याल रख सकते हैं कि वो ड्रेस खरीदें जो बाद में भी पहन सकें, क्या कहेंगे? ऐसा ही है, वो तो ड्रेस पहने के जो बाद में भी वेयर कर सकते हैं। अच्छा, प्रिंस सूट हो गया, प्रिंस सूट जो है वो बिल्कुल आपने बहुत ज़बरदस्त आपने प्रिंस सूट के बारे में बताया। प्रिंस सूट एवरग्रीन सूट में आता है और पहन के प्यारे भी लगते हैं। ये सारे प्रिंस सूट कहलाएंगे। ये बेटा ये ग्रीन वाला प्रिंस सूट है, ये प्रिंस सूट है, ये लॉन्ग प्रिंस सूट है। अच्छा, और आजकल जो है ये डिजाइन चल रहा है लॉन्ग प्रिंस सूट चल रहा है, कुर्ता पजामा भी लगा सकते हैं आप हल्का गर्मी की वजह से। सही, और ये वैसे पैसे के लिए जो बना हुआ है ये गोन बना हुआ है। और ये भी कर सकते हैं कि हम इसको कभी इसके अपर के बगैर भी पहन सकते हैं और अपर के साथ भी पहन सकते हैं और खाली जीन्स पर भी वेयर कर सकते हैं, मतलब तो ये जो प्रिंस सूट है इतना खूबसूरत इतना प्यारा, इसके प्राइस क्या है? ये आपको पड़ेगा 12,000। 12,000 तो काफ़ी ज़्यादा है। ये 6,000 का है और ये 3 पीस है, ये 12,000 का है। ये 12,000 का तो एग्जैक्टली है, मगर मैं आपको बताऊँ ये ड्रेस दो तरीके से पहने जा सकते हैं। इसको आप विदाउट इसके भी पहन सकते हैं अपर के, तो ये लाइट थोड़ा सा हो जाएगा ड्रेस। ये डिजाइनर सूट है। अच्छा, ये कपड़ा कौन सा है? ये मैसूरी फैब्रिक है, मैसूरी रॉ सिल्क का इनर बना हुआ है, ट्राउजर भी रॉ सिल्क का बना हुआ है, प्रॉपरली पैंट स्टाइल। और वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि इनकी स्टिचिंग बहुत ज़बरदस्त हुई हुई है और कॉपरेटिव मार्केट में स्टिचिंग अच्छी ही हुई हुई है, जो मैं अब तक शॉप्स देखती हुई आई हूँ। 700 शॉप्स तो मैं नहीं देख सकती, ये मैं इस वक्त पहले ही फ्लोर पर मौजूद हूँ, अच्छी स्टिचिंग हुई हुई है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कॉपरेटिव मार्केट पर ऐसा कोई हिसाब किताब है, ग्राउंड फ्लोर पर थोड़ा सस्ता होगा और ऊपर महंगा, या नहीं ऐसा कोई सीन नहीं? नहीं, देखें बेसिकली जो है ना रेडीमेड जो पीसेज हैं वो आपको थोड़े से लो प्राइस में मिलेंगे, लेकिन जो मैक टू ऑर्डर है, अब जैसे हमारा मैक टू ऑर्डर का काम है तो उसके अंदर थोड़ा सा ये है ना आपको कॉस्टली पड़ेगा। सही बात है, सही। तो आप इस वक्त सबसे ज़्यादा रनिंग आइटम कौन सा है? शेरवानी पैकेज वगैरह में आपको दिखा देता हूँ, डिज़ाइन न्यू ट्रेंडिंग में चल रहा है। ये इस वक्त सबसे रनिंग आइटम है और इसमें और भी कलर्स हैं। ये दूल्हा की शेरवानी है, इसके साथ टर्बन भी होगा। इसके प्राइस क्या है टर्बन के साथ? इसका प्रॉपरली 5 पीस का सेट आपको पड़ेगा 16,000 रुपये। 16,000, वैसे 16,000 इज़ नॉट बैड, क्योंकि ये फैब्रिक इटसेल्फ बहुत एक्सपेंसिव होता है। ये कौन सा फैब्रिक है? मैसूरी शेरवानी, सही। तो आजकल बेसिकली इसी तरह की चीज़ें चल रही हैं कि एक फैब्रिक पूरा सिलावा। ये पैकेज है, ये आपको थोड़ा सा लो कैटेगरी में मिल जाएगा, ये 12 का आपको मिलेगा। अच्छा, ये जो है भी ले रहे हैं 12। अच्छा, ये ज्वेलरी इसके साथ है या जस्ट आपने लगाई हुई है? अच्छा, ये ज्वेलरी इसके साथ इंक्लूडेड है। ये थोड़ा सा नवाब स्टाइल लाइक लग रहा है, इस स्टाइल को क्या कहते हैं? सेट है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा रॉयल लुक है।
रॉयल, एग्जैक्टली रॉयल लुक है। अच्छा, अगर आप 12-12 हज़ार के नहीं ले सकते और ये 16-16 हज़ार के नहीं ले सकते, तो एक मैं आपको शॉर्ट आइडिया भी देती हूँ कि आप क्या करें कि लूज कपड़ा लेके अपने टेलर से कमीज सलवार सिलवा लें, लेकिन वो भी कोई बहुत सस्ता नहीं सीके देगा, और उसके साथ ये वेस्ट कोट्स ले लें। तो ये वेस्ट कोट्स के क्या प्राइस हैं, कि कुछ यूनिक डिज़ाइन दिखाएं ज़रा। कोई सी भी ले लें, 1500 रुपये की वेस्ट कोट है। तो आप अपने कमीज माइयों मेहंदी के इवेंट्स के हिसाब से, बारात वली में वेस्ट कोट तो ऐसी चीज़ है जो आराम से पहनी जा सकती है। ऐसे शेड की ले लें जो डिफरेंट कमीज सलवार पे चल सके। ये भी कुछ एज फैक्टर के हिसाब से भी, तो सिंपल नॉर्मल कमीज सलवार पे आप ये कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप सही, ये भी 1500 की है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि आदमियों के पास मोस्टली सिंपल सिंपल कमीज सलवार सिले हुए होते हैं, तो अगर आप और कम बचत करना चाहते हो, सिर्फ 1500 की वेस्ट कोट ले लें और अपने घर में जो कमीज सलवार है उस पर लगा के आप अपनी बचत कर सकते हैं। और प्रॉपर कमीज सलवार का सूट इनके पास 3000 रुपये में। वैसे जब आप कपड़ा लेके सिलवाएंगे तो वो भी ऑलमोस्ट इतने ही हो जाते हैं। आजकल टेलर कितने ले रहे हैं कमीज सलवार के? ऑलमोस्ट तो 1500 जा रही है। जाहिर सी बात है, कपड़ा भी 1500 तक का, 2000 तक का आता है। खाली 3000 रुपये में कच्चे कपड़े का सूट पड़ेगा यहाँ पर। हम जो सिला सिलाया सूट के साथ दे रहे हैं प्रॉपरली। सही, सूट भी और वेस्ट कोट भी 3000। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त आपके पास आइटम्स हैं। हम आगे चलते हैं और आपको आगे चल के दिखाते हैं कि और कोऑपरेटिव मार्केट में जनाब क्या मिल रहा है। सामने वाली शॉप है, बहुत ज़बरदस्त इनके पास भी चीज़ें, यही प्रिंस स्टाइल इनके पास भी आया हुआ है। इस वक्त प्रिंस स्टाइल जो है वो ज़्यादा फैशन में है, और प्रिंस स्टाइल में भी लॉन्ग कोट फैशन में है। तो अब ये देखिए सामने कितना डिसेंट लग रहा है। आप ये देखें, कमीज शलवार पे सिंपल ये वेस्ट कोट है। इट्स लुक्स अमेजिंग, टेक्स द फैंसी लुक। और वो ब्लू वन कितना हसीन लग रहा है, ब्लू पे ये जो इम्तिजाज है ना, वाह, ये पहन के आप बहुत हसीन लगेंगे। ये लें आप, बहुत ज़बरदस्त। इसके प्राइस, अस्सलाम वालेकुम सर, ये आपकी शॉप पे बहुत प्यारा आर्टिकल है ब्लू, और ये बहुत ही हसीन आर्टिकल है, ये मुझे भी पसंद आ गया लेकिन मैं पहन नहीं सकती। तो ये आर्टिकल जो है, क्या प्राइस है इसके और इसका क्या नाम है? ये प्रिंस कोट है, लॉन्ग कोट कहलाता है ये। सही, और इसके 10,000 के रेट है कंप्लीट पैकेज के। सही, ये 10,000 है बेसिकली। इसका कॉम्बिनेशन बड़ा हसीन लग रहा है, आपने कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे लगाए हुए, डिसेंट कराची वालों को सोचते हो आपने लगाए हुए कॉम्बिनेशन। तो ये कमीज सलवार का कपड़ा कौन सा है? वॉशिंग वेयर है। वॉशिंग वेयर है, सही। ये 10,000 का दे रहे हैं, तो आगे चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं। वैसे आपके पास मोस्ट रनिंग आइटम कौन सा है? शेरवानी का काम बेसिक ज़्यादा है, इस वक्त शेरवानी कोट पैंट का काम ज़्यादा है, और इसमें ये है कि दूल्हा आजकल इसी को ज़्यादा लाइक करते हैं शेरवानी। सही, तो ये शेरवानियाँ वगैरह कैसे दे रहे हैं आप? अलग अलग प्राइसेस हैं, तो कुछ ये 35,000, 35,000 की है ये। ये हाथ का काम हुआ है, इनका कहना ये है, ये इसलिए एक्सपेंसिव है। और ये पूरा आप देख सकते हैं अंदर, ये भी देख लीजिए, ये भी अच्छा। पैंतीस हजार की है ये, लेकिन ये हाथ का काम हुआ है बकायदा, ये सब हाथ का काम हुआ है, और ये फैब्रिक ही ऐसा है। तो ये वाली कैसे दे रहे हैं? ये 20,000, ये 20,000 की है, ये 35,000 की, लेकिन ये सारा हाथ का काम है। और फिर इसके अलावा ये अपर भी है, इसके साथ इनर भी है, इसके साथ टर्बन भी है, तो इतनी सारी चीज़ें, खूसा भी है, तो वो पूरा कुर्ता पजामा वो सब मिलाकर भी 35,000। हाँ, तो फिर तो जाहिर सी बात है, खूस पैंट का अगर वलीमे के लिए आप वगैरह उधर भी आ जाए मैदान में, ये कोट पैंट का 3 पीस है, ये हम दे रहे हैं 10,000 का। कोट पैंट का 3 पीस 10,000 का ये दे रहे हैं, सही। और तो कुछ बार्गेनिंग वगैरह भी अलावा करते हैं या नहीं भाई? हो जाती है। सही, तो ये है शॉप, पहली फ्लोर पे है कोऑपरेटिव मार्केट की, कुर्ता खान जी कुर्ता, राइट स्टूडियो, खान जी कुर्ता स्टूडियो है ये।
और काफ़ी अच्छे और बहुत बेहतरीन सिली हुई आइटम्स हैं इनके। आगे चलते हैं और आपको मज़ीद दिखाते हैं। और जहाँ बड़ों के कपड़े मैंने आपको दिखाए तो वहीं मैं आपको बच्चों के भी कपड़े दिखाती हूँ। बहुत खूबसूरत और प्यारे प्यारे कपड़े हैं यहाँ पर बच्चों के हिसाब से, और इनसे प्राइजेस पूछते हैं। बच्चों के कपड़ों के कुछ प्राइजेस बताएं, मस्टर्ड वाले के क्या प्राइस? 2800। एक बच्चों के सूट इतने महंगे? कपड़ा महंगा होता है। कौन सा कपड़ा है ये? खादी कपड़ा भाई। कौन सा? कॉटन है। कॉटन है, अच्छा ये बड़ा प्यारा लग रहा है ब्लैक पर। ये वाला भाई 5500 का सूट है इंडियन। सही। और इसके साथ ये जो मफलर है ये भी देंगे? ये भी साथ है, 5500। 5500 में। तो ये पुराना स्टाइल है मफलर वाला? ये भाई सारे नए लेटेस्ट ही चल रहे हैं। सही। और ये खादी फैब्रिक है। कौन सा खादी? 4500 का खादी। जी हाँ, 4500 रुपए का एक खादी फैब्रिक है, और इसमें बड़ी अच्छी है डिसेंट सी एम्ब्रॉयडरी हुई भी है, और ये आप पहन के वाकई बहुत डिसेंट लगेंगे। जी बिल्कुल। और ये भी देख सकते हैं, जहाँ ये ब्लैक में है तो वहीं इसका एक और आर्टिकल है ग्रीन में। ये आप उपटन में आराम से पहन सकते हैं, और उपटन में ये दूल्हा भी पहन सकता है। ये ऐसा डिज़ाइन है, ये मैसूरी के लिए गए हो? तो मैसूरी अच्छे हैं ये बराबर में। देखिए मैसूरी कपड़ा है, ये 8500 का मैसूरी कपड़ा महंगा होता है। मैसूरी कपड़ा ये होता है जिस पे काम बना हुआ होता है। अच्छा, इस आर्टिकल के बहुत सारे कलर्स हैं, रेड है, ये गोल्डन गोल्डन फॉन है, ये जेट ब्लैक है, ये 9500 का है, और ये ग्रीन है, इसी का क्रीम शेड है, और ये आप देख सकते हैं कि क्रीम शेड है, और ये ब्लू है। इसमें आपको 3 कलर मिल जाएंगे, इसी का वाइट कलर है, ग्रे कलर है, नेवी ब्लू कलर है। ये 8500 के 8500 के हैं ये ग्रेस वालों का सूट। ग्रेस कपड़ा ग्रेस वालों भाई। अच्छा, ये बनाव के रहेंगे मतलब बटन की भी गारंटी होती है, फोर पार्ट के बटन होते हैं, जंग नहीं आता है तो। ये पूरा कोट फैशन पे बना भाई, तुरपाई के ऊपर। और ये वाला ड्रेस की क्या है? 8500 का पूरा सेट। ज़्यादातर अभी कपड़ों की रेंज जो है वो 8000-8500 इसी तरह की है। सर मैं वैसे डिज़ाइन में कपड़ा अच्छे लगा, ये सारे डिज़ाइन हमारे विक्की भाई और नबी खान ने करे, ये सारे डिज़ाइन नबी भाई ने अपने हाथ से बनाए, कितने भी डिज़ाइन डिज़ाइनर एक तो। ये जो डिज़ाइन आपने बनाए हैं इस वक्त क्या डिज़ाइन मोस्ट फैशन में? सबसे ज़्यादा जो है ये इसके डिज़ाइन जो है सबसे मैसूरी में आजकल बहुत ज़्यादा इन है, तो हमने ज़्यादातर वैरायटी मैसूरी के अंदर ही बनाई हुई है। अच्छा, मैसूरी कपड़ा क्या होता है थोड़ा सा अगर आप डिफाइन करें? मैसूरी कपड़ा रोटली रॉसलिक कपड़ा होता है, उसके ऊपर कढ़ाई होती है और कुछ वो भी कढ़ाई हुई भी आती वो है। कढ़ाई हम करवाते हैं, हमारी फैक्ट्री है औरंगी टाउन के अंदर से फैक्ट्री होती है साइड एरिया में, उधर से हम बनवाते हैं कपड़ा, कढ़ाई करवाते हैं इसके ऊपर। तो ये जो कढ़ाई हुए हुए कपड़े होते हैं लाइक दैट, ये मैसूरी कपड़ा कहलाता है, और ये खवातीन में भी आते हैं कपड़े, है ना? मैसूरी कपड़ा खवातीन में भी आते हैं। हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह लोग शॉपिंग कर रहे हैं। ये सारा डिज़ाइन बच्चों का ये बनाते हैं। अच्छा, बच्चों के डिज़ाइन ये करते हैं। तो ये बताएं, बच्चे इतने छोटे छोटे से होते हैं, उनके कपड़े इतनी जल्दी छोटे भी हो जाते हैं, तो बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चों के कपड़े इतने महंगे क्यों हैं? वो तो थोड़े सस्ते रखने चाहिए। बच्चों के कॉस्ट क्यों आ जाती है? बड़ों की और बच्चों की जो स्टिच होती है वो सेम जाती है। सही। और डिज़ाइनिंग के अंदर भी बच्चों के अंदर ज़्यादा मसला होता है, माइक्रो होके बनता है साइज, इस वजह से स्केच में हर चीज़ में देखना पड़ता है। लेकिन कपड़ा तो थोड़ा सा कम इस्तेमाल होता है। नहीं नहीं, कपड़े की कॉस्ट पहले कम हो जाती है, लेकिन और चीज़ों की कॉस्ट बढ़ जाती है बच्चों के अंदर ना। सही। इस वजह से हमने बच्चों में सेम बनाया है डिज़ाइन, बड़ों के अंदर भी बनाया। सही। लेकिन देखें, आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो नहीं लगता आपको कि हमारा अभी भी फैब्रिक गर्मी के हिसाब से नहीं है कराची में? के हिसाब से तो बेस्ट है हमारे फैब्रिक को, है अलग अलग दुकानों की अलग अलग नहीं रहते किस हिसाब से क्वालिटी का कपड़ा पसंद करते हैं। अब ये कपड़ा जो लगा हुआ है ग्रे से खाड़ी है, जो कपड़ा बड़ों में इस्तेमाल किया हुआ अच्छी क्वालिटी का वही बच्चों। अच्छा, गर्मियों में कौन सा कपड़ा लेना चाहिए, कुछ सजेशन करें? गर्मियों में जो चलता है वॉशिंग वेयर और कॉटन है। कॉटन के ऊपर ये कि आपको फैंसी लुक नहीं मिलेगा, वॉशिंग वेयर में आपको फैंसी लुक मिलेगा।
सही, तो कॉटन को हम कैसे फैंसी कर सकते हैं? कॉटन लॉन को तो आप फैंसी नहीं कर सकते, आप सिर्फ कफ और कॉलर को डिजाइन नहीं, तो हम एक काम कर सकते हैं ना, कॉटन के ऊपर वेस्टकोट पहन लें। हाँ, वेस्टकोट चलेंगे, कोट जो बनाए मैसूरी के ओपन कोट बनाए आजकल। सही, तो कुछ कोट भी दिखाएं अपने, मतलब एक सिंपल कॉटन के कमीज शलवार पे ये कोट पहन लें तो कम गर्मी लगेगी। इन कोट के क्या प्राइस है? ये कोट है, वेस्ट कोट नहीं है, ये प्रिंस कोट है। प्रिंस कोट, सही, ये 4,500। 4,500 प्रिंस कोट नहीं है, ये आप सादे कमीज शलवार पे पहन सकते हैं, तो ये बहुत प्यारा आप एलिगेंट लुक लगेगा। और जल्दी की शॉपिंग अगर आपको करनी है तो आप ये करें कि आप, होता है सम टाइम अर्जेंट चाहिए होता है, सामने हमारा बुटीक है मेट्रो शलवानी कोट पैंट वगैरह, सही, अर्जेंट बुकिंग भी है। सही, ये बहुत प्यारी लग रही है, दिखाएं ये कितने की है? 4,500। ये ब्लैक पे अगर आप ब्राउन पहनेंगे तो, या ब्लू पे भी बहुत प्यारा लगेगा। ये जो इसमें ब्लू शेड आया हुआ है ना, इस शेड का कमीज शलवार पे आप ये पहने बहुत असली लगेगा। ये वेस्ट कोट है, वेस्ट कोट थोड़ी सस्ती होती है, इसके क्या प्राइस है? 1,850। सही, तो ये हमने आपको कोऑपरेटिव मार्केट की एक और शॉप दिखाई है, और अब हम आगे चलते हैं। आपको और वैरायटी दिखाते हैं इस मार्केट की। ये थोड़ा सा इन्होंने ट्रेडिशनल लुक रखा हुआ है, इनसे पूछते हैं इस कमीज शलवार का, इस सूट का क्या है? ये 5,000 रुपये का पूरा सेट है, इसमें कमीज शलवार, वेस्ट कोट और ये इसके साथ रुमाल है, ये पूरा सेट है 5,000 का। तो आप यहाँ से 5,000 के जोड़े भी ख़रीद सकते हैं, और 15,000 के भी, और 3,500 के भी, और 35,000 के भी। ये बहुत बड़ी मार्केट है, कोऑपरेटिव मार्केट है, यहाँ बच्चों बड़ों सबके कपड़े हैं। आज मैंने आपको कोऑपरेटिव मार्केट का सिर्फ फर्स्ट फ्लोर दिखाया है, 700 दुकानें एक व्लॉग में कवर नहीं हो सकती, तो मेरे और व्लॉग्स आप देखते रहें। न्यूज़ बाय सुमैया को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये मेरी आज की वॉकिंग टेल थी, और मैं पैदल पैदल आ गई कोऑपरेटिव मार्केट। तो अब मैं कोऑपरेटिव मार्केट से बाहर निकल रही हूँ। ये बच्चों की वैरायटी है इनके पास, यहाँ पर छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से बच्चों की, और बच्चों की भी फुल वैरायटी होती है, और उतनी ही प्राइस में होती है, क्योंकि शॉपकीपर से कहना ही है, इस पर भी उतना ही खर्चा आता है। तो आप कुछ वैरायटी दिखाएंगे? ये बहुत प्यारे प्यारे, बस प्राइजेस बता दें। ये 35 पूरा सूट जी। सही, और वो ब्लू वाला? ये 1, 2, 3, 4, 5। सही, ये 35 के हैं, ये 22 का है, और वो 22 के। सही, इनके पास जो है ये बच्चों के ही कपड़े हैं सारे, ये 25 के हैं। सही, तो न्यूज़ बाय सुमैया से मैंने आपको कोऑपरेटिव मार्केट का फर्स्ट फ्लोर दिखाया। तो मुझे सुमैया खुर्शीद को पैदल पैदल वॉकिंग टेल से इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।